आज आ चुके हम यहाँ पे होंडाई में ना एक गाड़ी लॉन्च हुई है। आप लोगों को ना बहुत अच्छी गाड़ी दिखाने वाले लॉन्च की ना, मतलब उसमें फीचर वगैरह सब बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। हम पहले आ चुके हैं संयम, और हम सब ये लोग संयम भी लगा हुआ। क्या हाल है भाई संयम भाई? बहुत ही बढ़िया भाई। गाड़ी कैसी लगी? गाड़ी तो भाई एकदम जेन्युइन लगी है, मतलब इतने फीचर पैक गाड़ी पहली बार देखी, वो भी इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक में इतनी फीचर पैक गाड़ी आ रहा है देखो। और वो ना मुन्ना भैया भी आए हमारे साथ पहली बार यहाँ पे देखने। मुन्ना भैया कैसी लग रही है गाड़ी? बताओ। गाड़ी अच्छी है, गाड़ी अच्छी है ना, दमदार लग रही है ना, दम लग रहा है, अलग लग रहा है, यूनिक लग रहा है ना। टायर अच्छी लग रहा है, टायर अच्छी है ना। टायर और टायर की खास बात हमें भी बताई गई है टायर की ना, ये पंचर नहीं होंगे, तो ये भी देखने वाली बात है कि पंचर नहीं होंगे। और भी पूरे फीचर जानते हैं गाइस। आ चुके हम लांबा हुंडई में ना गाड़ी देखने, तो हमारे साथ है यहाँ पे सूर्या भैया यहाँ पे, तो इनसे जानते हैं गाड़ी के बारे में फुल डिटेल। हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम लांबा हुंडई वजीरपुर। ये हमारी गाड़ी है आयोनिक 5, जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसने 2022 में वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर विन किया है, वर्ल्ड डिजाइन ऑफ द ईयर और वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑफ द ईयर। आइए हम इसके बारे में आपको बताते हैं। फर्स्टली इसमें आ जाता है 360 कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर, एलईडी हेडलैम्प्स, दूसरा एडास सेफ्टी फीचर है जो कि लेवल 2 है। फ्रेंड्स, ये इसकी की है, इसमें आपका लॉक अनलॉक, बूट ओपनर, चार्जिंग पोर्ट ओपनर और ये होल्ड, जिससे आपका इंजन स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो आपका ये है ऑटो फ्लश डोर हैंडल्स, एलईडी आपके ORVMs आ जाते हैं। ये हमारा है चार्जिंग पोर्ट, AC DC आपको सपोर्ट करेगा, इसी से आप होल्ड करके इसको बंद कर सकते हैं। दूसरा आपका यहीं से आपका बूट ओपन हो जाएगा, जो कि आपका आता है 527 लीटर का बूट स्पेस आ जाता है। अगर ये सीट होल्ड कर देते हैं तो आपका 600 लीटर का बूट स्पेस हो जाता है। आयोनिक 5 के बूट स्पेस के बारे में अगर बात की जाए तो फर्स्टली तो हमारे पास प्रोटेक्शन कर्टेन आ जाता है, दूसरा इसमें 527 लीटर का बूट स्पेस आ जाता है, और ये हमारे पास आ जाती है ये टायर मोबिलिटी किट है। जैसे हमारा, और ये है हमारा एक इन्फ्लेटर, और ये है लिक्विड। अगर हमारा टायर में कोई इश्यू आ जाता है या कहीं पर कोई पंचर वगैरह हो जाता है, अगर हम उसको इस लिक्विड से फिलअप कर देते हैं, क्योंकि इसमें गाड़ी में कोई स्टेपनी अवेलेबल नहीं है, इस वजह से ये हमारे पास मोबिलिटी किट है अवेलेबल, और यहीं से आपका बूट क्लोज भी हो जाएगा। ये टायर का साइज हमारे पास आ जाता है 20 इंचेस का, और जो डिज़ाइन है ये वेरी डिफरेंट डिज़ाइन है फिलहाल। क्यों इस डिज़ाइन को नाम दिया गया है? पैरामेट्रिक डिज़ाइन का। इसमें हमें मिल जाता है 12.3 इंच स्क्रीन साइज मिल जाता है आपका, बोस का साउंड सिस्टम मिल जाता है, और 21 एम्बिएंट लाइट्स मिल जाती है। देन हमें मिल जाता है चारों सीट्स जो होती है वेंटिलेटेड मिल जाती है। फ्रंट की दो सीट्स जो भी होगी वो होगी कूल एंड हीट, और रियर जो सीट होगी वो होगी ओनली हीट। इसमें हमें मिल जाती है 8-way इलेक्ट्रिक सीट्स एडजस्टेबल्स। इसमें फर्स्टली हमारे पास आ जाता है एंकल सपोर्ट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। देन सेकंड आ जाता है हमारा बैक सपोर्ट आ जाता है, और आपका पीछे टर्न सपोर्ट आ जाता है। ये सारी सीट्स जो भी है, फ्रंट की दो मेमोरी सीट्स में काउंटेबल होती है। एंड लास्ट फीचर जो हमें मिल जाता है मून रूफ। अगर रियर सीट्स की बात करें तो हमें फर्स्टली तो मिल जाते हैं प्राइवेसी कर्टेन्स मिल जाते हैं हमें,
और जो ये पीछे वाली रियर सीट है ये वेंटिलेटेड है, लेकिन ओनली हीट है। हाय गुड आफ्टरनून, आज मैं आपको आइकॉनिक की ड्राइव पे लेके चलता हूँ। बात करते हैं तो ये इसका स्टार्ट एंड स्टॉप बटन है। इस टाइम गाड़ी देखिए स्टार्ट करी है, बट गाड़ी में साउंड नहीं है बिकॉज ईवी व्हीकल है। और गाड़ी में अपने गेट्स देखेंगे तो मे बी शायद यहाँ गेट्स आते हैं, बट इसके गेट्स हैं, इसके गेट्स एंड पे हैं। देखिए डी फॉर ड्राइव, आर फॉर रिवर्स, एन फॉर न्यूट्रल, ये इसके गेट्स हैं। और इसके बारे में बताना चाहूँगा, स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स हैं, ये आपका ड्राइव मोड आ जाएगा, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स, तीन इसमें आपको ड्राइव मोड मिल जाते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है आपको, वॉइस मॉड्यूलेशन मिल जाता है आपको यहीं पे। तो ये जो आप देख रहे हैं 1 और 2 जो लिखा हुआ है, ये इसकी ड्राइव मेमोराइड सीट फंक्शन है। जैसे सपोज मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं अपनी जो ड्राइविंग सीट का एडजस्टमेंट है वो मेमोरी 1 पे कर दूंगा। मेरे घर में कोई और ड्राइव कर रहा है तो वो 2 पे सेट कर देगा। जब भी हम बैठेंगे सिर्फ हमें ये बटन प्रेस करना है, और जिस ड्राइव लोकेशन पे मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ, जिस स्पीड अपना सीट के एडजस्टमेंट पे गाड़ी वहाँ चलेगी। उसके बाद ये जो आप सिल्वर बटन देख रहे हैं प्रीमियम लुक के साथ, साइड के मिरर इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल इससे हो जाएंगे। इस वाले मिरर को आपको राइट पे एडजस्ट करना है, इस नोब को राइट पे करके राइट का एडजस्ट कर लेंगे, लॉक अनलॉक आ जाएंगे, पावर विंडोज आ जाएंगे और चाइल्ड लॉक आ जाएगा। तो ये इस गाड़ी के प्रीमियम बटन्स हैं। गाड़ी में आपने सनरूफ तो देखा होगा, बट इसके अंदर स्टिल मूनरूफ आता है ब्लैक ग्लास के साथ। इस टाइम अगर हम देखें धूप में खड़े हैं, बट गाड़ी के अंदर अगर आप ग्लास टच करेंगे तो हीट नहीं है और ना ही कोई धूप का खास रिफ्लेक्शन गाड़ी के अंदर आ रहा है। तो ये ग्लास की क्वालिटी है। मैं आपको सेंटर कंसोल पैनल के बारे में बताना चाहूँगा। बेसिकली जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं, आपको लग रहा है अब आपके अलावा कोई और ड्राइव कर रहे हैं, हाइट छोटी है, हाइट लंबी है, तो इस पैनल को वो कैसे एडजस्ट करें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक बार है, उस बटन को आप दबाएंगे तो इसको आप पुश करके पीछे कर सकते हैं और पुश करके आगे कर सकते हैं। तो जैसे आप कंफर्टेबल ड्राइव कर सकते हैं उस पोजीशन में इस बार को आप सेट कर सकते हैं। बात करते हैं रियर की। अब रियर में जैसे कोई बैठे हुए पैसेंजर, आपके बच्चे बैठे हुए, तो सीट को आप उनकी अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिकली सीट आगे आ रही है और इलेक्ट्रॉनिकली सीट पीछे जा रही है। आप आगे करके पीछे वाले अपने सीट को रिक्लाइन कर सकते हैं, जिससे आप लॉन्ग ड्राइव पे और कंफर्टेबल गाड़ी को फील कर सकते। ये हम बात कर रहे हैं एडास फीचर की। देखिए मैंने गाड़ी एडास पे लगा दी है, गो एंड स्मार्ट टूथ, तो गाड़ी अपने आप चल रही है। और ये स्टीयरिंग देखिए अपने आप गाड़ी को लाइन में ला रही है, गाड़ी लाइन से बाहर नहीं जाने देगी। अभी आपने देखा था स्टीयरिंग में मूवमेंट हुआ था स्मार्ट क्रूज कंट्रोल पे। अब आप देखिए गाड़ी का रोड जो है वो टर्न है, कर्व है, और मैं गाड़ी नहीं हैंडल कर रहा हूँ स्टीयरिंग को, मैं सिर्फ एक्सीलरेट कर रहा हूँ। और गाड़ी आप देखिए अपने आप स्टीयरिंग इसका मूव हो रहा है और अपने आप गाड़ी लाइन में चल रही है। तो ये इसका एडास का फीचर है। थैंक यू।